हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके डिमांड वाले टॉपिक भूकंप पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि एक धोबी, मदारी, ये कहाँ कहाँ से टॉपिक ले आते हो आप। लेकिन सारे टॉपिक पर आपको इस चैनल में ऐसे मिलेगा, चाहे वो इंडिया के 28 स्टेट्स हों, दुनिया के 100 से ज़्यादा देश हों, ये कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में कंटेंट। जितने भी फेस्टिवल होते हैं, मैक्सिमम फेस्टिवल पर आपको ऐसे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसे चाहिए हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, और यदि इस चैनल पर नहीं होगा तो सूनर और लेटर आपको मिल ही जाएगा। भूमिका, भूकंप, पृथिव्या, कंपन इत्यर्थ। जो भूमिका मतलब इसकी भूमिका है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ड को आप चाहें तो लिख सकते, ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। भूमिका यानी होता है इंट्रोडक्शन, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये सेंटेंस एक स्टार्ट होता है संस्कृत का कि भूकंप पृथिव्या कंपम इति अर्थ। यानी कि जो भूकंप है, यानी कि जो अर्थक्वेक है, वो पृथ्वी का कंपन है। पृथ्वी का कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। प्रायः पृथिव्या सर्वेषु भागेषु विशेषतः तेषु स्थानेषु यत्र ज्वालामुखी पर्वतः समीपे सन्ति। अभी ज़्यादातर देखें कि ज़्यादातर स्थानों में इसकी विशेषता ये है कि जो भूमि होती वो हिलती है, और कई बार जो ज्वालामुखी होता है, बड़े बड़े पर्वत आपने देखे होंगे, वो इसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। भूकंप यानी छोटे मोटे स्तर पे आता है तो पृथ्वी हिलती है, और यही भूकंप यदि जल में आ जाए तो इसको सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कारणम अंत अग्नि तपेन पृथिव्या स्फुटेन पृथिव्या द्रव द्रव्याणाम मुक्ता बंदुका दि शब्दा। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा भूकंप आने का। तो जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में कई बार टकरा जाती पृथ्वी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी रीज़न हो सकता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो पृथ्वी में एक द्रव्य, यानी कि ये जो ज्वालामुखी होता है, इससे एक द्रव निकलता है अंदर से, ज्वालामुखी, तो ये पूरे में फैलता है, तो इससे चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परिणाम। अब इसका क्या क्या परिणाम होता है? नागर नागराणी विनिष्टानि भवन्ति सहस्राणि मियते। तो बड़े बड़े नगर, महानगर इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसके उदाहरण भी हैं बहुत सारे, जैसे कांगड़, बिहार, कोटा, भूकंप दृश्यम। यहाँ पे मेनली यहाँ पे ज़्यादा भूकंप देखा गया है। जरूरी नहीं कि अब इस टाइम आता हो, लेकिन मेनली यहाँ पे देखा। अतएव जापान देशे काष्ठ ग्रहणानि। अब जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। अतएव यानी इसलिए, जापान देश यानी जापान देश में काष्ठ ग्रहणानि यानी लकड़ी के बने हुए घर होते हैं ज़्यादातर आप जापान के देश जापान में देखेंगे तो। और जापान में जल में भूकंप आता है, जैसे सुनामी होती। तो ये जो सुनामी वर्ड है वो जापान से ही आया है। परोपकार पृथिव्या अंता भूमो नूतनानाम खनिजानाम धातुनाम पदार्थ च आगम लाभात अधिक हानि। देखो अब कुछ कुछ इसके लाभ भी हैं, जैसे ज्वालामुखी कई बार ब्लास्ट हो, ज्वालामुखी निकलता है, तो उस टाइम जो पृथ्वी होती वो भूमि से नूतन यानी नए नए खनिज धातु पदार्थ ये सब निकलते हैं, तो लाभात अधिकम हानि। लेकिन इसके लाभ से ज़्यादा हानि है। एक दो फायदा हो गया तो क्या, लेकिन बड़े बड़े नगर महानगर सब नष्ट हो जाते हैं। उपसंहार यानी अंत में आते, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्ड लाइन खींच के दिए हुए हैं ये एक निबंध के तौर पर आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज उतनी ज़रूरत नहीं है। लिखोगे तो गलत नहीं है, पूरा चाहो तो पूरा ऐसे भी लिख सकते, लेकिन इन वर्ड्स को लिखना कंपलसरी नहीं। भूमो अधिक कंपाप भारताम शेष्य शिशिरा कंपन भूकंप से बब्धि। तो जब शेष शिशिरा यानी कि जो नाग होता है ना, उसका सर जब वो हिलाता है, मतलब पौराणिक कथा के अनुसार कि जब शेष नाग हिलता है तो पृथ्वी में भूकंप आता है। भूकंप मानव से कृते अनुचित अस्ति। भूकंप जो है वो मानव के लिए, कृते यानी के लिए, अनुचित अस्ति यानी अनुचित है। भूकंप नागराणी
विनिष्टानि भवन्ति, इससे बड़े बड़े नगर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।